हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज हम देखेंगे बीएमएस सिस्टम के बारे में। बीएमएस में जो सिस्टम है हमारे, बीएमएस तो वैसे बहुत बड़ा सिस्टम है, मगर इसके जब मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, उसमें हम कौन कौन सी डिवाइस मॉनिटरिंग कर सकते हैं और कंट्रोलिंग कर सकते हैं, तो आज उसके बारे में देखते हैं। और इसकी जितनी भी वीडियो वो आएंगी, वो सारे वीडियो जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एफसीयू की। तो मैं केवल आपको ग्राफिक्स बताऊंगा, तो हम एफसीयू की बात करते हैं। एफसीयू जो होती है फैन कंट्रोल यूनिट, जो कि अपार्टमेंट में लगी होती है, तो इसकी बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। ये एफसीयू आपको दिख रहा होगा जो कि ग्राफिक्स में दिख रहा है। इसमें क्या है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये जो है वो हमारा एक्चुएटर है और ये फैन कॉइल है जो चल रही है। अब सेटिंग देखते हैं। सेटिंग अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये एफसीयू टाइम शेड्यूल अभी ऑटोमेट मोड पे है। ऑटो मोड पे रखना है, यानी कि इसको ऑटो मोड पे रख दिया हमने, अनेबल कर दिया है। ये फैन ऑफ का है, ये फायर का है। अगर कोई फायर होती है तो ये ऑटोमेटिकली एफसीयू ऑफ हो जाएगा उस कंडीशन में। यहाँ पर अभी ग्रीन दिखा रहा है, फिर ये बाद में रेड दिखाएगा। ये तो पूरा था सेटिंग के बारे में। अब इसके फ़ैन के बारे में आते हैं। इसका फ़ैन कोयल जो है उसकी स्पीड के बारे में, उसकी लो स्पीड रखनी है, हाई मीडियम स्पीड रखनी है, हाई स्पीड रखनी है। तो अगर आपको लो रखनी है तो लो पे यहाँ पर अनेबल कर देना है, जस्ट लाइक ऐसे टिक करना है आपको। अभी मैं हटा दे रहा हूँ। अगर आपको मीडियम रखनी है मीडियम, और हाई रखनी है तो हाई। और ये था हमारे फ़ैन के बारे में। फिर ये एयरफ्लो को दिखाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर फ़ैन रनिंग। तो फैन रनिंग का मतलब ये है कि ये फ़ैन अभी रन कर रहा है, जैसे कि ये, इसलिए ग्रीन है। अगर फैन रन नहीं करेगा तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। फिर उसके बाद एयर फ्लो स्टेटस है, वो भी एक्टिव है, यानी कि अब इसमें एयर फ्लो हो रही है। अगर एयर फ्लो नहीं होगी तो ये जो है इसको इनएक्टिव बताएगा, अभी एक्टिव है फिर इनएक्टिव बता देगा। तो इसकी ये हमने सेटिंग देखी और फैन की सेटिंग देखी, इसमें फ़ैन में क्या क्या है उसकी सेटिंग में देखा। अब इसके बाद आते हैं इसका टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे। कोई भी एसी होती है, जैसे घर में स्प्लिट एसी लगी होती है, उसका भी हम टेम्परेचर सेट करते हैं। ऐसी ये हमारी जो है एसी है, इसका भी हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। अब जैसे आप ये देख लेंगे स्क्रीन पर, इस साइड में ये टेम्परेचर सेट पॉइंट है, ये हमने 21 कर रखा है, 21 डिग्री कर रखा है इसका। और इसको रिटर्न टेम्परेचर कितना मिल रहा है, रिटर्न टेम्परेचर मिल रहा है 19.3 डिग्री, इसको रिटर्न टेम्परेचर मिल रहा है। और सेट पॉइंट जो है हमारा वो 21 है। ये अभी हमारा आप देख रहे होंगे, ये एक्चुएटर भी चल रहा है इसका, जो कि एक्चुएटर वाल्व को ओपन करता है, और इसका एफसी भी चल रहा है, तो मीन्स इसका फैन कॉइल भी चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमारा सेट पॉइंट जो है वो 21 है और रिटर्न टेम्परेचर में 90.6 डिग्री मिल रहा है। अगर हमारा सेट पॉइंट जो है 21 है और हमारा रिटर्न टेम्परेचर अभी 19 मिल रहा है, तो इस कंडीशन में अभी चल रहा है, ठीक है। कूलिंग मोड अभी रेड दिखा रहा है, यानी कि अभी ये कूलिंग मोड में नहीं है। अब अगर हमें यह एक ऑप्शन ही है कूलिंग का इधर, तो अगर कूलिंग आपको नहीं करनी है, कूलिंग अगर आपको मैनुअली सेट करनी है, एक्चुएटर को आपको मैनुअली सेट करना है, ऑटोमेशन में नहीं करना है, तो आप यहाँ पर टिक करके ऐसे, और इधर आप जो सेट करेंगे, ये अगर मैं इधर 20 पे सेट करता हूँ, एक्चुएटर 20 पे ओपन करो, तो यहाँ पर भी 20 पे ओपन हो जाएगा। आप देखिए इधर 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया। अगर मैं इधर अभी 30 पे सेट करता हूँ तो 30 आ जाएगा, यानी कि एक्चुएटर को हम कितना परसेंट खोलना है ये उसके लिए होता है। देखिए इधर अभी 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया। तो हमें मैनुअली करना नहीं, इसको हटा देते हैं, ये ऑटोमेशन पे चलेगा अपना। उसके बाद कोई फायर अलार्म आता है, तो फायर अलार्म आने के बाद ये हमारा एफसीयू जो है वो ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें इसको रीसेट करना होगा। ये ऑटोमेटिक भी रीसेट हो जाता है, अगर आप नहीं होता है तो आप इसको मैनुअली इसको रीसेट करना पड़ेगा, चेक और अनचेक करना पड़ेगा। तो ये इसकी सेटिंग थी पूरी। ये सेटिंग फैन टेम्परेचर सेटिंग कैसे करेंगे, कूलिंग और अलार्म आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये पूरा एक काम मैंने आपको एफसीयू के बारे में लगाया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच.